Assalamu alaikum 5 class, here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 6, Participles and Gerunds. Participles and Gerunds. Students, as you all know that we have discussed about participles, and today we are going to discuss about gerunds or verbal nouns. Okay students, firstly you should know about gerunds, about its definition. Okay, first of all we will learn its definition. Here is its definition: when the ink form of a verb is used as a noun, it is known as a gerund. When the ink form of a verb, यानी जब हम बेस फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा देते हैं और वो फिर वर्ब की इंग फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, और फिर जब वो इंग फॉर्म एज अ नाउन यूज़ होगी, नाउन के तौर पर यूज़ होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे. क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे. अ जेरंड इज़ ऑल्सो नोन एज अ वर्बल नाउन, यानी जेरंड को हम और इसके अलावा क्या कहते हैं, वर्बल नाउन भी कहते हैं. फॉर इट कैन टेक एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वर्ब, यानी जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, इसी तरह जेरेंट का भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको वर्बल नाउन कहते हैं. डन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम देयर. The ink form of a verb may also be used as a noun. जी, ink form जो verb की है वो as a noun भी use होती है, ठीक है. हमने इससे पहले क्या पढ़ा, ink form as a adjective use हो रही थी, ठीक है. अब हम gerund में देखेंगे कि ink form as a verb भी use होती है, ठीक है. ink जब ink form as a adjective use होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ink adjective कहते हैं, ठीक है. You know that only a noun or a word or a group of words acting like a noun can be the subject or object of a verb. Now look at the following sentences. See, you know that only a noun, यानी आपने देखा होगा कि यहाँ सिर्फ noun या group of a word, ठीक है, यानी ज़्यादा words का जो group होता है, ठीक है, वो acting like जो noun के तौर पर काम कर रहे होते हैं वो या तो सब्जेक्ट होती हैं या ऑब्जेक्ट होती हैं, किसके, वर्ब के, ठीक है. अब यहाँ पर देखें दो एग्जांपल्स हैं, ए ई और ए एफ. ए ई, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट. सेकंड, आई लाइक रीडिंग. अब देखें, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, यानी मुतालिया एक अच्छी आदत है, मुतालिया करना एक अच्छी आदत है. आई लाइक रीडिंग, मुझे मुतालिया करना पसंद है. अब फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, रीडिंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी रीडिंग स्टार्ट में आ रहा है और वर्ब इज़ का, ठीक है, इस यहाँ पर वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हैं ना, यानी रीडिंग यहाँ पर क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, यानी कौन काम कर रहे हैं, किसके बारे में, रीडिंग को, क्या अच्छी आदत है, रीडिंग पढ़ना, ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर. और दूसरा, रीडिंग यहाँ पर एज अ जेरंड काम कर रहे हैं, यानी एज अ नाउन काम कर रहे हैं. अब सेकेंड में देखें, आई लाइक रीडिंग, जी क्या पसंद किया जा रहा है, को किस को पसंद है, आई, मुझे, ठीक है. द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक इज रीडिंग, यानी यहाँ पर रीडिंग जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, आई होगा, ठीक है. अब सच ए नाउन कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, जी इस तरह के जो नाउन्स होते हैं, यानी इंक नाउन जो जेरंड के तौर पे काम करते हैं, वो समटाइम ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होते हैं, किसके, प्रेपोजिशन के. अब ही इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स ऑन हिस्ट्री, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इन इज़ रीडिंग, यानी प्रेपोजिशन इन जो है वो प्रेपोजिशन है ना, तो अब इन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रीडिंग, यानी यहाँ पर रीडिंग जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर रहे हैं, ठीक है. यानी सिंपल हमने ये देखा कि जो जेरंड है वो एज अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर काम करता है. डेफिनेशन हमने देख ली.
for it can I like reading books on history. Eating junk food is not a good habit. I like reading. Yani book on history is the object of reading, a gerund. Book of history, yani yahan par ye jo hai object hai reading. सॉरी यहाँ पर रीडिंग जो है वो एज अ जेरेंड यूज़ हो रहा है और ईटिंग भी यहाँ पर एज अ जेरेंड यूज़ हो रहा है, ठीक है. और इनके जो यानी अब रीडिंग क्या पढ़ना आपको पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है, बुक्स ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री पर जो हिस्ट्री की जो किताबें होती हैं वो पढ़ना पसंद है. तो इसका मतलब रीडिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बुक्स ऑन हिस्ट्री. अब ईटिंग जंक फूड इज़ नॉट अ गुड हैबिट. ईटिंग जंक फूड इज़ नॉट अ गुड हैबिट, यानी क्या खाना अच्छी आदत नहीं है, जंक फूड, ठीक है. तो अब जंक फूड क्या है, ईटिंग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इसके अलावा ये प्रपोजिशंस के भी जो जेरंड है वो प्रपोजिशंस के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है. ये आपने टॉपिक अच्छे से रीड आउट कर लेने. देन कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33, एक्सरसाइज नंबर सी. जी, स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर इंग एडजेक्टिव्स और जेरेंड्स, पॉइंट आउट देयर ऑब्जेक्ट्स इफ एनी. जी, हमने यहाँ पर जो अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स उसमें हमने बताना है कि ये इंग एडजेक्टिव है या जेरेंड है, ठीक है. और फिर हमने इनके ऑब्जेक्ट्स का भी बताना है कि इनके ऑब्जेक्ट्स कौन से अगर हैं तो वो भी हमने बता देने हैं. फर्स्ट है फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर पीपल इज़ एन इरिटेटिंग हैबिट ऑफ हिज. फाइंडिंग, फाइंडिंग यहाँ पर क्या है, फाइंडिंग फॉल्ट, यहाँ पर जो फाइंडिंग है ये एज अ जेरेंड यूज़ हुआ है, ठीक है. इसके ऊपर आप जेरेंड पूरा लिखते हैं, सिर्फ जी लिखते हैं तो भी ठीक है, जी फॉर जेरेंड होगा. अब फाइंडिंग, तलाश करना, यानी क्या तलाश करना, फॉल्ट, गलती, तो गलती, फॉल्ट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है. ये अंडरलाइन करके आप ओ लिखते हैं. अब यहाँ पर इरिटेटिंग, इरिटेटिंग हैबिट, इरिटेटिंग जो है ये यहाँ पर इंग एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है क्योंकि ये हैबिट को कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं. नंबर टू, आई लाइक ड्रीमिंग इम्पॉसिबल ड्रीम्स. आई लाइक ड्रीमिंग इम्पॉसिबल ड्रीम्स. ड्रीमिंग जेरेंट है और क्या, यानी ख्वाब देखना, किस तरह के ख्वाब देखना, इम्पॉसिबल ड्रीम्स. तो ये इम्पॉसिबल ड्रीम्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें एडजेक्टिव नहीं है. नंबर थ्री, स्पीकिंग विथ योर माउथ फुल इज़ अ बैड हैबिट. स्पीकिंग यहाँ पर जेरंड के तौर पर यूज़ हो और ये एक एडवाइस है तो इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. नंबर फाइव, द पिलग्रिम्स बोर्डिंग द बसेस विल बी विजिटिंग अ श्राइन. जी, बोर्डिंग द बसेस, जी बोर्डिंग क्या है, ये इंग एडजेक्टिव है क्योंकि ये पिलग्रिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं. और बसेस क्या चीज़ें बोर्ड कर रही हैं, बोर्डिंग और ये किन चीज़ों की, बसेस की, तो बसेस यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है. नंबर सिक्स इज द डेंटिस्ट वॉन्ट शिजा अबाउट ईटिंग स्वीट्स ऑल द टाइम. द डेंटिस्ट वॉन्ट शिजा अबाउट ईटिंग स्वीट्स ऑल द टाइम. ईटिंग स्वीट्स, ईटिंग यहाँ पर क्या है, जेरेंड है. और क्या खाने से मना किया, स्वीट्स, ठीक है. तो स्वीट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है. नंबर सेवन, नाउ अ डेज मैनी पीपल चूज एक्टिंग एज अ कैरियर. एक्टिंग जेरेंड है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि कभी इसका जेरेंड का ऑब्जेक्ट होता है और कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जेरेंड जो है वो खुद एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है. अब नंबर एट, इन द पास्ट पीपल वर यूज्ड टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ट्रैवलिंग वाज एन एडवेंचर. जी, वॉकिंग और ट्रैवलिंग दोनों जो हैं वो जेरेंड हैं. अब यहाँ पर वॉकिंग क्या, पीपल वर यूज्ड टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज, लोगों को क्या करना पसंद है, यानी आज का लोग क्या, क्यों चलते हैं, किधर तक चलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेज. लॉन्ग डिस्टेंसेज क्या आ गया, वॉकिंग का ऑब्जेक्ट है. ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग वॉज एन एडवेंचर. ट्रैवलिंग यहाँ पर जेरेंड और इसका ऑब्जेक्ट नहीं है. अच्छा, नंबर सेवन पे मैंने आपको बताया एक्टिंग, यहाँ पर एक्टिंग जो है वो खुद एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है. नंबर नाइन, टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज़ नाउ बिकम अ पैशन विद मैनी पीपल. इट इज़ मच बेटर देन हंटिंग एनिमल्स. जी, टेकिंग जेरेंड है, हंटिंग भी जेरेंड है. अब टेकिंग फोटोग्राफ्स और किसकी तस्वीरें लेना, फोटोग्राफ्स ऑफ
वाइल्ड लाइफ, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर इट्स बेटर देन हंटिंग एनिमल्स, किसका शिकार करना, एनिमल्स का, तो एनिमल्स क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। नंबर 10, हसन लव्स बिल्डिंग मॉडल एरोप्लेन्स एंड शिप्स। बिल्डिंग जारंट है, क्या किसका बिल्ड करना पसंद है, क्या बिल्ड करना पसंद है, मॉडल एरोप्लेन्स एंड शिप्स, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। 11, बाइंग एंड सेलिंग इज व्हाट अ ट्रेडर डज, बाइंग एंड सेलिंग दोनों क्या है, जारंट है। नंबर 12, यू कैन नेवर सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय अवॉइडिंग इट, अवॉइडिंग जैरेंट है, यानी किसको अवॉइड करना, इट, इट किसके लिए यूज़ किया गया है, प्रॉब्लम के लिए, तो इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फेसिंग जैरेंट है, और फिर यहाँ पर इट जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। चार्ल्स डिकन्स वॉज वेरी गुड एट रीडिंग आउट हिज ओन स्टोरीज, चार्ल्स डिकन्स, अब यहाँ पर रीडिंग, रीडिंग क्या है, जैरेंट है, और यहाँ पर यह खुद एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, रीडिंग जैरेंट है। नंबर 14, स्नोरिंग इज़ अ डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड नाउ अ डेज, स्नोरिंग जैरेंट है, स्नोरिंग क्या है, जैरेंट है। नंबर 15, ही इज सो फॉन्ड ऑफ हियरिंग हिज ओन वॉइस, यानी हियरिंग जैरेंट, यानी हियरिंग सुनना, यानी किसको सुनना पसंद करता है वो, हिज ओन वॉइस, अपनी आवाज़ को, हिज ओन वॉइस क्या है, ऑब्जेक्ट है। दैट वंस ही स्टार्ट स्पीकिंग, स्पीकिंग फिर यहाँ पर एज अ जेरेंट यूज़ हो रहा है, ही डज नॉट वॉन्ट टू स्टॉप, ठीक है, हियरिंग और स्पीकिंग दोनों जेरेंट है, और हिज ओन वॉइस ऑब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, आपने जेरेंट का टॉपिक अच्छे से पढ़ लेने और एक्सरसाइज नंबर सी को नीट एंड क्लीन लेड पेंसिल से सॉल्व कर लेने। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।